स्क्रीनिंग को लेकर केजरीवाल ने अपनी भूख हड़ताल कैंसिल की। अब 31 मार्च को नहीं करेंगे भूख हड़ताल। कोर्ट में स्क्रीनिंग पर जारी सुनवाई के चलते फैसला लिया। सीबीएसई ने पेपर लीक मामले में नया बड़ा ऐलान किया। 12वीं के अर्थशास्त्र की परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। जांच के बाद 10वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा। पेपर लीक मामले में चौंकाने वाला खुलासा। 35,000 में खरीदा था पेपर, फिर खर्च निकालने के लिए दूसरों को बेचने लगे। सीबीएसई पेपर लीक की जांच का बढ़ा दायरा। क्राइम ब्रांच ने गूगल से मांगी चेयरपर्सन को भेजे ईमेल की जानकारी। पेपर लीक को लेकर 5 छात्रों के समूह ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। मोदी सरकार की सख्ती। भ्रष्ट अफसरों को नहीं मिलेगा पासपोर्ट। सरकार ने पासपोर्ट के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी किया। गाजियाबाद में सीएम योगी ने एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। एलिवेटेड रोड यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन तक बना है। उत्तर जिले के सब्जी मंडी थाने में लड़की के परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बीच एक महिला ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। जखीरा फ्लाईओवर के लूप पर ट्रक की अवैध पार्किंग से हुआ भयंकर हादसा। ट्रक के न्यूट्रल गियर में होने पर 2 ट्रकों में टक्कर। 2 बच्चे दबे दोनों की मौत। गुरुग्राम के गढ़ी गांव के पास कार में लगी आग। कार में जिंदा जला चालक। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़। पालम विहार के लाला गैंगस्टर के साथ मुठभेड़। गैंगस्टर के पैर में लगी गोली। फतेहाबाद की गीता कॉलोनी में 24 साल की महिला ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। महिला ने ये छलांग बंदरों से बचने के लिए लगाई। महिला की हालत गंभीर। सुप्रीम कोर्ट के हॉरर किलिंग को दिए फैसले पर खाप पंचायतें एकजुट। असंतुष्ट खाप पंचायतें सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे रिट। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार पर हमला। पुलिस ने आरोपी हमलावर को गिरफ्तार किया। शिकायत की सुनवाई न होने से नाराज। सोनीपत की एक महिला ने गुरुग्राम के कांग्रेस पदाधिकारी और उसके साथी पर सोशल मीडिया पर बदनाम करने और छेड़खानी का आरोप लगाया। रेवाड़ी के गांव शहबाजपुर में अचानक सिलेंडर फटा। हजारों का सामान जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पलवल सोना मार्ग पर डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर। एक महिला सहित 3 की मौत। कई लोग जख्मी। 12 लाख की सिगरेट बरामद। फर्जी बिल से भेजी जा रही थी सिगरेट। मथुरा से दिल्ली लाई जा रही थी सिगरेट। अंबाला में जगाधरी रोड पर हुए सड़क हादसे पर एक बाइक सवार की जान चली गई। गांव मीठापुर के पास कार और बाइक की टक्कर में गांव मंगले के सतपाल की जान गई। यमुनानगर के फवारा चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत। एससी/एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रोटेस्ट। नारनौल में कैप्टन अभिमन्यु ने विकास के मुद्दे पर सरकार के भेदभाव के आरोपों को खंडन किया। कहा प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति के अनुरूप काम कर रही है। भिवानी में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। अधिकारियों को गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल और बिजली की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। चरखी दादरी में सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के हित में वही नीतियां अपनाएगी जो नीतियां व्यापारी बनाएंगे। गुरुग्राम सेक्टर 40 में चल रहे बर्नहल क्लब के डायरेक्टर को फर्जी ईमेल के जरिए धमकी मिली। पुलिस ने दिल्ली में रहने वाले शख्स के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।